नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। देवरी थाना क्षेत्र के कोशोगुंदो दीघी गांव में 4 दिन पूर्व जन्मे नवजात बच्चे की मौत हो गई है। घटना से जहां परिजनों में मातम है, वहीं परिजनों व ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। परिजनों का आरोप है कि नवजात की मौत वारंटी की तलाश में आई देवरी पुलिस के कुचले जाने से हुई है। इसे लेकर मृत नवजात के पिता ने देवरी पुलिस के खिलाफ लिखित शिकायत भी की है, साथ ही उन पर मारने व शिकायत न करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो व इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। जानकारी देते हुए मृत नवजात के परिजनों ने बताया कि भूषण पांडे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अहले सुबह देवरी थाना प्रभारी संगम पाठक के नेतृत्व में पुलिस की टीम उनके घर आई थी। पूरे घर में भूषण पांडे को खोजा जा रहा था। पुलिस को देखते ही सभी सदस्य घर को छोड़कर निकल गए थे। इस दौरान 4 दिन पूर्व जन्मा नवजात ही घर के कमरे में बिस्तर पर सो रहा था। पुलिस के जाते ही जब वे घर पहुंचे तो बच्चे के शरीर में कोई हलचल होते उन्हें नहीं मिली। खोजबीन के दौरान किसी पुलिस वाले के पैर के नीचे दबने से मासूम की मौत हो गई। वही मृत नवजात के दादा सह वारंटी भूषण पांडे का कहना है कि पुलिस को आता देख वह घर छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस घर के एक एक कमरे की तलाशी लेती रही। नवजात को छोड़ महिला भी कमरे से बाहर निकल गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी नवजात के कमरे में भी पहुंचकर उसे तलाशती रही। पुलिस द्वारा नवजात के चौकी पर भी चढ़कर घर के ऊपरी हिस्सों की तलाशी लिए जाते रहे। इसी क्रम में बिस्तर पर सोए नवजात बच्चे को भी पुलिस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर DSP संजय राणा ने बताया कि पूरी घटना की पड़ताल की जा रही है, जांच के पश्चात ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज 3:20 में पुलिस हमारे घर के लिए हमारे ऊपर केस चल रहा है, मारपीट के केस चल रहे तो हमारे घर के लिए पुलिस तो कमरिया ठोक ठोक के कमरिया कमरिया जो ठोक ठोक के कमरिया ना खोल खोल कमरिया ना खोला के बाद में हम कोई तरह से भाग के वहाँ से निकल गए। पुलिस में बाइक जबरदस्ती कैमरा के दलते मैंने धक्के लग दल के खोल और खोल के बाद में अंदर घर में घुस गए। घर में घुस गए बाद में जगह पर बढ़िया सिस्टम रहें तो वो तीन वहाँ घर में पुलिस जब घर घुसल तो पुलिस में गले बाहर हुए और बाहर हो गए पुलिस चौकिया पर चढ़ के और पचवा हाले कपड़ा में लटपटल से घोड़ा राख दल के और पुलिस के घोड़ा से मैंने बचवा मर गया। क्या मांग करते हैं क्या मांग करते हैं आप उचित सरकार से? पुलिस पर कार्रवाई हो और हमारा मांग करते हैं। बीते दिनों से देवरी पुलिस की रवैया बहुत खराब रही है और इतना तानाशाही पर उतर गई है देवरी की पुलिस कि पहले तो मुदाले को जबरन उठाने का काम करती थी पुलिस और जो मुदाले नहीं था उसको भी उठाने का काम करती थी, लेकिन अब इतना क्रूरता पर उतर गई है कि जो बच्चा को एक ठो रौंदने का काम किया पैर से और बच्चा की मौत हो गई और जब आवेदन देने के लिए आए हैं उस बच्चे के परिवार के सदस्य लोग तो उसका दरकिनार किया जा रहा है उस आवेदन को। और अब सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हास्यास्पद बात है कि यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद अपने से डायरी मेंटेन कर रहे हैं और बच्चों को पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ के जो संगम पाठक जो अभी अतिरिक्त प्रभार में प्रभारी के कार्य पर नियुक्त हैं उनके नेतृत्व में तो खास करके देवरी जल रहा है। अब यहाँ के समाज सेवी लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस से खतरा नज़र हम लोग को भी आता है। मुझे तो ये लगता है कि झारखंड में जो लोकप्रिय सरकार है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, देवरी की पुलिस सीधे तौर पर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम लोग ये मांग करते हैं उपायुक्त महोदय से, आरक्षी अधीक्षक महोदय से कि जल्द से जल्द यहाँ से संगम पाठक की निलंबन हो, नहीं तो फिर आने वाले दिन में हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। कितना FIR ये लोग करेगा हम लोग देख लेंगे आने वाला दिन में। बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। मैंने कोशोगुंदो दिघी का जो घटनाक्रम जो मैंने 1 महीने का बच्चा भी नहीं लगता है, 4-5 दिन का मैंने बच्चे, उसमें ये लोग 3 बजे रात में छापामारी में पुलिस लोग अपना पुलिस वैन से गए थे। कम से कम 50-60 जनसंख्या में बता रहे हैं कि मैं 50-60 जनसंख्या में गए थे, उसमें से मैंने खटखटाने के बाद नहीं खुलने के कारण जो अभियुक्त उस घर से बिलोंग करते थे तो
वहाँ से हमने भाग निकले किसी दूसरे से, और इसके बाद पुलिस लोग ने हमने उसको खोल करके दरवाजा को पूरा भीड़ में घुस गए थे, चौकी चौकी में, चौकी के नीचे डंडा भी मैंने उन लोगों के पास था, पैर से पुलिस का पैर से दबने के कारण मैंने मृत्यु भी हो गई उसी जगह बच्चा का। रवैया जो प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ स्टेटमेंट क्या बोलता है, डायरी मेंटेन करते हम लोग देखे, लेकिन हम लोग को डांटने के क्रम में हम लोग कोई भी वहाँ नहीं ले पाए, मैंने वहाँ का फोटोग्राफर चल करके पुलिस के द्वारा हत्या कर दिया गया। इसको हत्या कहा जाए, इस पर अविलंब कार्रवाई किया जाना चाहिए, चाहे वो थाना प्रभारी हो चाहे जो भी। अगर इस तरह का घटना अगर घटता रहेगा तो आने वाला समय में हमारा देवरी प्रखंड का जंगुआ विधानसभा क्षेत्र भी शांति का माहौल नहीं स्थापित हो सक रही है। इसके लिए जिम्मेवार जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द जेल में गिरफ्तार करके डालना चाहिए और FIR दर्ज किया जाना चाहिए। वी टाइम न्यूज़ के लिए देवरी से संतोष कुमार राय की रिपोर्ट।